के पास हम प्रे करेंगे जैसे कि ये जो महामारी है सारे दूर हो जाए और हम भारतवासी जीत जाए। वेलकम बैक टू द चैनल एंड गुड इवनिंग। अभी टाइम हो रहा है 6:00, ओवर 6:00। सो अभी मैं चाय बना के चाय पी रही हूँ क्योंकि मैं अभी नींद से उठी हूँ, और नींद से उठने के बाद तो कुछ चाय या कुछ चटपटा चीज़ मनी होता है, तो इसलिए मैंने सोचा चाय बना लेती हूँ, थोड़ा चाय पी के थोड़ा फ्रेशनेस लेके आती हूँ। तो वही मैं चाय पी रही हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाओ क्योंकि आज पूरा दिन मेरा तबीयत ख़राब थी तो मैं लेटी थी, और अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। नींद के बाद मुझे अच्छा फ्रेश फील हो रहा है। तो पहले सोचा नहीं था तो मैं ये व्लॉग नहीं बनाऊंगी, फिर मुझे लगा नहीं आज की व्लॉग बनानी चाहिए क्योंकि आज जैसे दिवाली के तरह एक स्पेशल डे है हम पूरा भारतवासियों के लिए, क्योंकि आज हम 9:09 तक 9 दिया जलाने वाले हैं। दिया या कैंडल हो या फ्लैश लाइट हो या क्वांट कुछ भी टॉर्च लाइट भी हो सकता है, पूरे घर की लाइट बंद करके हम वो सारे लाइट चलाने वाले हैं। तो कोई बालकनी में भी जलाएंगे, कोई डोर के सामने भी जलाएंगे, बट हम बाहर नहीं जाएंगे जब तक मेरा ए न्यूज़ एंड ए व्लॉग आप लोग देखेंगे। शायद मेरा आप लोगों का ये जो प्रोग्राम है, एक दिया की जो पीरियड है, ये सब ख़त्म हो चुका होगा, बट क्या करें, हम तो उसी टाइम पे करेंगे ना। बट जिस टाइम पे ये सारे प्रोग्राम हम करते हैं, हम मनाते हैं, तो और अभी जो भी व्लॉग आ रहा है मैं देख रही हूँ यूट्यूब में भी, सब ये लॉकडाउन को रिलेटेड करके सारे व्लॉग से, तो अच्छा लग रहा है। इससे भी पता चल रहा है सब कैसे क्या कर रहे हैं, लॉकडाउन को कैसे घर में बैठ के स्पेंड कर रहे हैं, कैसे बोर नहीं हो रहा है, तो मुझे भी कुछ कुछ नॉलेज मिल जा रहा है। मैं भी उसी हिसाब से मैं भी कुछ कुछ घर में कर रही हूँ, व्लॉग बना रही हूँ या कुछ भी हैक्स वगैरह भी आप लोगों के लिए तैयार कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बट ये दिन जल्दी ख़त्म हो जाए तो और भी बहुत अच्छा लगेंगे। और आई होप कि 14 अप्रैल हम सब मिल के एक हिंदू लोग मिल के जो एक न्यू ईयर को बंगला न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर सके। आई डोंट नो कितना कर पाएंगे बट कोशिश ज़रूर करेंगे। तो चलिए फिर चाय पीते हैं, उसके बाद आज मैं पूरा दिन जैसे कि रेस्ट में थी, कुछ भी काम नहीं की हूँ घर में, तो अभी मुझे शाम को जल्दी जल्दी खाना भी बनानी है, और क्योंकि 9 बजे प्रोग्राम करना है तो पहले ही खाना बना के रेडी कर लेना चाहिए। और बच्चों को थोड़ा पेट का प्रॉब्लम हो रहा है तो इसलिए आदर्श को पुदीना का पानी बना के दूँगी अभी जाके, क्योंकि उसका पेट ठंडा रहे तो इसी वजह से। तो चलिए फिर सारे काम निपटा के फिर बात करते हैं। गाइस मैं अभी खाना बना रही हूँ और मैं फटाफट डिनर का तैयारी कर लूँगी। तो आज बहुत दिन बाद मैं चिकन बना रही हूँ, और चिकन के लिए तो जान छूट रहा था, और आदर्श अमन को भी वैसे ही चिकन कब खाना है और फिश कब खाना है तो ऐसे चल रहा था। तो मुझे आज सब्जी वाला भैया आता है तो उनको मैंने पूछा था उस दिन, तो भैया ने चिकन लेके आए थे तो मैं उनसे चिकन ले ली हूँ आज। तो ये हमें काफ़ी दिन चल जाएगा, और फिर मैंने फ्रिज में उसको साफ सुथरा करके मैं फ्रिज में 1 by 1 पन्नी के अंदर रखी हूँ ताकि वो ख़त्म ना हो जाए और हम एक दो हफ्ता आसानी से खा पाए।
मैं रखी हूँ फ्राई वाला चिकन या कुछ पकौड़ा टाइप की भी बना सकती हूँ चिकन से, तो इसलिए मैंने अच्छा से एकदम धो रखे रखी हूँ। और गाइस प्लीज़ पीछे जो है इसको इग्नोर करना, यहाँ पे टाइल्स लगने वाला है क्योंकि यहाँ पे सीलन होता था और पाइपलाइन का भी वर्क हुआ है क्योंकि हमारा जो वॉशिंग मशीन है उधर कोई पाइपलाइन का जो सिस्टम था तो नहीं था, तो वहाँ पे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी पानी वॉशिंग मशीन में भरना, तो वहाँ से मैं पाइप लेके और मेरा किचन के जो टैप है वाटर टैप इससे पानी वहाँ पे देती थी, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा पाइपलाइन का भी काम हुआ है और सीलन की वजह से भी यहाँ से खुदाई किया है क्योंकि यहाँ पे टाइल्स लगेंगे, तो इसको प्लीज़ इग्नोर करना। और अभी मैं काट रही हूँ प्याज, और प्याज मैं इतना तो काट कर ली हूँ, अभी मुझे प्याज को आधा करके मैं इसको पानी में सोख करके रखूँगी ताकि जब मैं सारे प्याज को काटूँ चॉप करूँ तो मुझे मेरा आँख ना जले पानी ना निकले, तो इसलिए मैं इसको पानी में सोख करके रखती हूँ 10-15 मिनट तक। और आज मैं बनाने वाली हूँ बिरयानी, बट कुछ अलग टाइप की बनाऊँगी, जैसे कि दही बिल्कुल नहीं मिल रहा है आजकल, तो विदाउट दही आज मैं बिरयानी बनाऊँगी एकदम डिफरेंट, और इसको मैंने मैरिनेट नहीं करूँगी चिकन को, डायरेक्टली बनाऊँगी आज चिकन बिरयानी। तो सोचा था मैं आज फ्राइड राइस एंड चिकन कौसा बनाऊँगी, आलू दम बनाऊँगी, तो जैसे कि चिकन मुझे मिल गई तो आदर शर्मा ने बोला चिकन कौसा फ्राइड राइस, बट मुझे दोनों टाइप की बनाने में अभी बहुत टाइम लग जाएगी, इसलिए मैं फटाफट चिकन बिरयानी जो एक है बहुत आसानी से बन जाती है, जो फर्स्ट टाइम बनाती है उनको लगता है बहुत टाइम लगता है, बट ना ये मैरिनेशन में जितना टाइम लगता है बट बनाने में बहुत जल्दी बन जाता है, और बहुत इजीली आज मैं इजीली प्रोसेस नहीं बनाऊँगी इसको ज़्यादा मतलब मैरिनेशन नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी, फटाफट जितना जल्दी मेरे हाथ में एक घंटा टाइम है, एक घंटे में मैं जितना जल्दी बनाऊँगी तो उतनी मेरे लिए आसानी रहेगी, उसके बाद दिया जलाऊंगी सारे बालकनी में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज क्योंकि थोड़ा दिवाली फीलिंग्स होगा और हमारा जो भारत है वो भारत को हम जिताना है आज, तो चलिए फिर फटाफट खाना बनाती हूँ, इसको तैयारी करती हूँ सारे कुछ। बिरयानी अभी मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ, जो चलिए शेयर कर देते। ये है आटा शान अमन का क्राफ्ट जो उन दोनों ने मिलकर बनाया है, फ्लावर और सिंपल में एक फ्लावर वास डेकोरेट किया है सिंपल में, और ये है जो हैरिकेन होती है मतलब कैंडल वाला वो बनाया है हैरिकेन, तो
इन दोनों लॉकडाउन के पीरियड में बैठ बैठ के दोनों मिलके दोपहर के टाइम ना सोने देते हैं ना सोते हैं, तो ये सब करते हैं। तो मैं भी कभी कभी शामिल हो जाती हूँ जब मुझे नींद नहीं आती है तो। और यहाँ पे भी कोरोना वायरस बनाया है दोनों मिलके, ये आदर्श ने बनाया है, अमन ने बनाया, दोनों मिलके कोरोना वायरस बनाया है। और यहाँ पे फेस पत्ता, फिर क्या बोलते हैं हाथी, और ये फेस स्माइली फेस में भी ये है टीथ, उसका ही टीथ उसने बनाया। और ये है क्या है डायनासोर। और यहाँ पे मैंगो बनाया, तो बहुत अच्छा, मैं भी साथ दी हूँ उन दोनों को, तो ये सब चीज़ बनाया है। एकदम बना लूँगी। और ये पहले का जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट है, तो इसमें डाल दूँगी। और अभी मैं फ्रेश भी बनाई हूँ, वो भी थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी। प्याज, और कुछ मैंने प्याज को रोक करके अभी भी रखी हूँ, उसको मैं फ्राई करूँगी एज ए बेरिस्ता। एंड धनिया कुक पाउडर, जीरा पाउडर, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर एंड थोड़ा हल्दी पाउडर। यहाँ पे गुलाब वाटर है, ये भी डालूंगी। और कैमरा वाटर ये भी ऐड करूंगी, कैमरा वाटर फिर ऐड करूंगी जब मैं राइस बिरयानी की राइस जब बनाऊंगी, जब उसको स्टीम पे बिठाऊंगी तब। और ये है कैवरा एसेंस, इसको भी मैंने पानी के साथ मिला के ऐड करूंगी। एक 1 लीटर मैं कैवरा एसेंस लूंगी और 1/2 ग्लास पानी लूंगी। मैंने 1 लीटर ही लिया, उसको मिक्स करूंगी। और थोड़ा सरसों का ऑयल, और सरसों का ऑयल मैं इसमें रखती हूँ जो नॉन वेज के लिए है उसमें रखती हूँ, जो वेज के लिए वो अलग से रखती हूँ।
अभी राइस जो है वो मैंने बॉईल करके रखने के लिए रखी हूँ, और इसमें अभी इसमें तेजपत्ता भी डाली हूँ, और सरसों डालूँगी, दालचीनी डालूँगी। बिरयानी में ख़ास बात तो यही होती है ज़्यादा मसाला, बिरयानी में बहुत अच्छा मसाला होती है, बट मैं थोड़ा सा ये डिफरेंट बना रही हूँ, पता नहीं कैसे होगा आज। और मेरे पास वो स्टार फ्लावर नहीं है, तो वही जो है वही मैं इसमें डाल रही हूँ। एक मिला है तो ये भी इसमें डालूँगी, और डालूँगी नींबू, नींबू का रस। आशा कि ये जल्दी जल्दी हो जाए, 9 बजे तक मैं सारे कंप्लीट कर पाऊँ। और यहाँ पे मेरा जो बेरिस्ता है वो भी बन गया है, थोड़ा सा जला है बट ठीक है, जल्दी जल्दी कर रही हूँ ना। यहाँ पे जो दिया है सारे हम तीनों मिलके घर में बनाई हो, और इसमें मैंने तेल भी डाल दी हो, और ये सारे अरेंज करके रखी हो, जैसे ही टाइम होगा उसके पहले इसको जला लेंगे। और घर में इसीलिए बनाई हो, क्या पता दुकान में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन जाएंगे, कैसे जाएंगे, मैं जाऊंगी कि नहीं, जा पाऊंगी कि नहीं, पता नहीं। तो ये सब सोच के घर में मिट्टी था पौधा में डालने के लिए, तीनों मिलके घर में बना लियो। तो अब इसको जलाऊंगी। सब अभी घर के लाइट मैं बंद करूंगी, तो हमारा प्राइम मिनिस्टर की बात दिमाग में रख के हम सब भारतवासी मिलके भारतवासी को बचाने के लिए या जिताने के लिए हम ये आज काम करेंगे। सब मिलके सिस्टी के पास हम प्रे करेंगे, जैसे कि ये जो महामारी है सारे दूर हो जाए और हम भारतवासी जीत जाए। तो मैं सारे लाइट को अभी ऑफ कर दूंगी। फीलिंग्स तो एकदम दिवाली जैसी आ रही है, बट जैसे भी हो बहुत अच्छी लग रही है। दिया मैंने जला ली हो, तो चलिए इसको लेके आगे बढ़ते हैं। Thank you.
गाइस 9 मिनट कंप्लीट हो गया और अभी मैं सारे लाइट ऑन करूँगी। और जैसे कि मैं खाना बनाते बनाते चली गई थी और खाना मेरा फिनिश नहीं हुआ था बनाना, तो मुझे प्रायोरिटी पहले उन चीज़ों को देना था, दिया जलाना था, तो मैंने वही करने गई थी। खाना तो मैं अभी भी बना सकती हूँ, ऑलमोस्ट तो मेरा हो चुका है, अभी जस्ट 5-10 मिनट की काम है, तो इसीलिए मैंने चली गई थी। पहले वो चीज़ों को मैंने प्रायोरिटी दी, दैट्स इट्स। तो बहुत अच्छा लगा ये जो 9 मिनट का पालन जो हमारा प्राइम मिनिस्टर की बात सुन के, उनको रिस्पेक्ट तो करती थी और भी ज़्यादा कुछ रिस्पेक्ट बढ़ गया उनके ऊपर, क्योंकि इतना अच्छा अच्छा आइडिया हम लोगों को दे रहा है जो हम बैल्कनी में खड़े होके कर रहे। बहुत अच्छा फीलिंग्स आ रहा है गाइस, आप समझ भी नहीं सकते हो इतने अच्छा फीलिंग्स आ रहा है। और बहुत अच्छा लगा है, सब उनके बात मान के सब सबके बैल्कनी डोर के सामने दिया जला रहे हैं। आई होप कि गाइस ये जो महामारी है नॉट ओनली हमारा भारत, ऑल ओवर वर्ल्ड मुक्त हो जाए, ये सारे वायरस चले जाए और हम भारतवर्षी जीते और ऑल ओवर वर्ल्ड भी जीते, सब सुस्त रहे, सही रहे, यही कामना करूँगी, मतलब यही प्रे करूँगी मैं सिस्टी को, बस और कुछ नहीं। अभी बिरयानी का ख़त्म करना है, मतलब बनानी है, तो चलिए फिर बना के फिर आप लोगों को दिखा के फिर ये व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करूँगी। अभी और कुछ नहीं, सिर्फ मेरा चिकन भी यहाँ पे बन चुका है, ये है चिकन, ये भी बन चुका है। और अभी जो करना है सिर्फ उसको स्टीमर में रखना है, तो उसके बाद हम डिनर करेंगे। और डिनर में, डिनर के लिए सिर्फ बिरयानी और उसके साथ पुदीना की चटनी मैं बनाऊंगी और कुछ नहीं। जैसे कि अभी तो दही मिलती नहीं है तो रायता बनाने के लिए कोई बात ही नहीं आती, यहाँ पे सलाद और पुदीने की चटनी से हमारा डिनर बहुत अच्छे से हो जाएगी तीनों की। और बस कुछ नहीं, देन अभी मैं चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, थोड़ा खाना पीना बनाते हैं फिर खाते हैं। तो गाइस आप लोग सब सुस्त रहिए, सुरक्षित रहिए और शांत रहिए, फिर ये दिन को अच्छा से एंजॉय करिए दिया के साथ, मोमबत्ती के साथ, फ्लैश लाइट के साथ, टॉर्च लाइट के साथ। हम भी किए हैं, जब तक ये ब्लॉग जाएगा तब तक सबका ये चीज़ ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए गाइस बाय एंड गुड नाइट, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट कोई भी वीडियो कोई भी ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट ऑल्सो।